पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यूपी के मऊ में चुनावी रैली को संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी यूपी के लोगों को बाहरी बताती है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती उनका ही समर्थन करती है। मायावती को यूपी वालों की चिंता नहीं, बल्कि वो कुर्सी का खेल खेलने में जुटी है। पीएम मोदी ने कहा कि जो महामिलावटी महीने भर पहले तक मोदी हटाओ का राग अलाप रहे थे, वो आज बौखलाए हुए नजर आए। उनकी पराजय पर देश ने मोहर लगा दी। यूपी ने तो इनका सारा गुणा गणित ही बिगाड़ दिया है। महागठबंधन पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश इन महामिलावटी लोगों की सच्चाई पहले दिन से जानता है कि मोदी हटाओ का नारा तो महामिलावटियों का बहाना है, असल में इन्हें अपने भ्रष्टाचार के पाप को छुपाना है। ये कोशिश कर रहे हैं कि देश में जैसे तैसे खिचड़ी सरकार बन जाए। ये एक मजबूर सरकार चाहते थे, जिसे वे अपनी जरूरत के हिसाब से ब्लैकमेल करके राजनीति कर सके। गरीबों से खुद को इतना दूर कर लिया है, इतना दूर कर लिया है, अपने आसपास इन लोगों ने पैसे की, वैभव की, बाहुबल की, अपने दरबारियों की इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर ली है कि इन्हें गरीबों का सुख दुख नजर नहीं आता। भाइयों और बहनों, इन महामिलावटी लोगों से अलग मैं बहुत ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूं कि गरीब की जिंदगी आसान हो। दशकों से उसे जिन सुविधाओं का इंतजार था, मैं उसे वो मुहैया कराने में जुटा हूं। गरीब को पक्का घर मिले, घर में बिजली का कनेक्शन हो, गैस का कनेक्शन हो, शौचालय हो, बैंक में खाता हो, उसके बच्चे का समय पर टीकाकरण हो, उसे सस्ता इलाज मिले, उसे सस्ता राशन मिले, उसके घर तक सड़क पहुंचे, इन लक्ष्यों पर हम काम कर रहे हैं।